नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर स्टडीज. इट इज़ योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 5, चैप्टर 6. चैप्टर नेम इज़ फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट पार्ट 5. इन आर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चेंजिंग केस, एडिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग, इंडेंटिंग टेक्स्ट एंड मास्टर स्लाइड. दैट वॉट इज द चेंजिंग केस, दैट देयर आर so many type of cases like upper case, lower case, toggle case, and then adding bullets and numbering. के bullets और numbering कैसे add करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये bullets दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी list के सामने bullets और numbering हम कैसे add कर सकते हैं. Indenting text means text से पहले हमें कितना space छोड़ना है, text start होने से पहले जो space छोड़ा जाता है left में right में, that is indenting text. मास्टर स्लाइड मीन्स हम कोई भी एक थीम, कोई भी कलर हम अप्लाई करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो जो कलर या थीम है वो सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मास्टर स्लाइड का. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड, दैट व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर एंड हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर, देन थीम्स. सो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ थीम्स एंड देन कलर स्कीम. So for this, I'm again opening PowerPoint file. So with the help of this, we will better understand the topic. So I'm opening a PowerPoint file, जिसपे हमने last time work किया था. I'm opening that file. Now, first of all, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लिक किया व्यू पे एंड देन हमने क्लिक कर दिया स्लाइड मास्टर पे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लाइड मास्टर व्यू. कि अगर आप मास्टर स्लाइड ले लेते हैं तो किस तरीके से आपका जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से आएगा. मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप मास्टर स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो, तो सेम यहाँ पे अगर आपने ये मास्टर स्लाइड सेलेक्ट कर ली, ये जो सबसे ऊपर हमारी स्लाइड है, दिस इज व्हाट, दिस इज मास्टर स्लाइड, और ये बाकी सारी स्लाइड जो है ये इसी के अंडर है. तो आपने यहाँ पे एक मास्टर स्लाइड सेलेक्ट कर ली व्यू पे क्लिक करके और स्लाइड मास्टर पे क्लिक करके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी कैन चेंज इट्स थीम. अगर हम यहाँ से थीम सेलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ से क्लिक किया थीम पे, सो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ थीम्स. जैसे हमने इस थीम पे क्लिक किया तो ये वाली जो पर्टिकुलर थीम है ये सिर्फ इसी स्लाइड पे नहीं बल्कि ये पूरी हमारी जो प्रेजेंटेशन है उस पर अप्लाई हो जाएगी ये पर्टिकुलर थीम. ठीक है, अगर हम कोई और थीम सेलेक्ट करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये वाली थीम सेलेक्ट कर ली, सो ये जो थीम है ये क्या हुआ, ये थीम हमारी स्लाइड पे पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो गई है ऑटोमेटिकली. सो लाइक दिस वी कैन चेंज द थीम, वी कैन अप्लाई द थीम्स. तो मास्टर स्लाइड पे हम अगर कोई भी थीम अप्लाई करते हैं तो वो जो थीम है हमारी वो पूरी स्लाइड के लिए, पूरी प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई हो जाती है. इसीलिए हम मास्टर स्लाइड का यूज करते हैं ताकि हमें बार बार थीम या कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि एक ही बार में जो प्रेजेंटेशन है उसको यूनिफॉर्म लुक देने के लिए सेम ही थीम और सेम कलर उस पर अप्लाई हो जाए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैकग्राउंड स्टाइल. सो क्लिक ऑन दिस बैकग्राउंड स्टाइल. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको कई सारे बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं. आप जिस भी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे वो बैकग्राउंड आपकी थीम के साथ अप्लाई हो जाएगा. जिस भी बैकग्राउंड पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड है वो आपकी थीम पे अप्लाई हो जाएगा. इसके अलावा आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको कलर कॉम्बिनेशन कुछ और चाहिए तो आप वो कलर्स यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, आप अगर फॉन्ट चाहें कि कोई एक पर्टिकुलर फॉन्ट आपकी स्लाइड में रहे तो आप वो फॉन्ट भी यहाँ से ले सकते हैं. नेक्स्ट इज इफेक्ट. इफेक्ट मींस आपकी जो
स्लाइड है उस पर क्या क्या इफेक्ट रहेंगे, वो इफेक्ट अगर आपको यहाँ से लेने हो तो वो इफेक्ट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर ऑफ द स्लाइड एंड सेकेंड वन इज बैकग्राउंड स्टाइल. तो आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका बैकग्राउंड स्लाइड अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. एंड सेम थिंग अप्लाई ऑन द थीम, कि थीम भी अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी थीम आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर थीम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी. ठीक है. एंड व्हाट इज कलर स्कीम, थर्ड टॉपिक इज कलर स्कीम. सो कलर स्कीम इज लाइक यहाँ पे देखिए इतने सारे कलर्स हैं, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स. इन सारे कलर्स के क्या है, कॉम्बिनेशन है. तो आप कॉम्बिनेशन में भी कलर ले सकते हैं यहाँ से थीम पे अप्लाई करके. सो दिस इज द कलर ऑफ थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन. आप यहाँ से जो कलर आपको अच्छा लगता है आपने वो कलर सेलेक्ट कर लिया तो वो कलर ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर अप्लाई हो गया है. सो लाइक दिस यू कैन चेंज थीम, बैकग्राउंड एंड कलर ऑफ द मास्टर स्लाइड. तो ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने एक बार मास्टर स्लाइड में चेंज कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी स्लाइड्स में भी चेंज हो जाएंगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. वी हैव डिस्कस थ्री टॉपिक्स टुडे. फर्स्ट इज बैकग्राउंड एंड सेकेंड वन इज थीम ऑफ द स्लाइड मास्टर एंड थर्ड वन इज कलर स्कीम. So that's all for today's class. Your chapter is now completed. So I will share your homework, that question answer of this chapter in your class homework. So do complete your homework on time. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Thank you so much.